तमाम बिरादरानी वतन अस्सलामुअलैकुम, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। कौमी यकजदी की मिसाल जिले की मरकजी खानका व दरगाह हुसैनिया मुजीबिया मोहल्ला सूफी खामी बज़्म मुजीबुल अदब के ज़ेरे एहतमाम बा ज़ेरे निगरानी सैयद हसन रज़ा की मुजीबी मौलाना अलहाज शाह तालिब हुसैन मुजीबी हुसैनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के यौम मिसाल पर 120वां सालाना उर्से मुजीबी ज़ेरे सरपरस्ती कारी सैयद फसी रज़ा की मुजीबी सज्जादा नशीन खान का आलिया मुनक़िद हुआ। दरगाही मस्जिद में कुरान खानी के बाद महफिल का आगाज़ कारी सैयद मोहम्मद हारून ने तिलावत कुरान पाक से किया। इस मौके पर सज्जादा नशीन ने अपनी तकरीर में इमाम आली मकाम की तालीमात को आम करने और करबला के पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया कि सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी और अपने ख़ानदान के अफराद की कुर्बानी करबला के मैदान में हक व सदाकत को बचाने में पेश कर दी। शोराए कराम ने मंजूम नजराना अकीदत बारगाह इमाम हुसैन में पेश किया। शोराए कराम ने अशआर दर्ज कुछ इस तरह से पेश किया कि सदका नबी आले नबी का है जिंदगी, हम लोग खा रहे हैं निवाले हुसैन के। हाफिज जहीर कानपुरी कारी अजहर बरकाती कानपुरी सैयद अख्तर अली काजी सैयद मुताहर अली और सैयद हिलाल मुजीबी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। साथ ही साथ सैयद जुनेद अली सैयद शुएब अली हाफिज शाकिर कारी और कारी तनवीर रजा ने भी कलाम पेश किए। कुल व फातिहा के मौके पर कारी तनवीर रजा कारी सैयद मोहम्मद हारून कारी हबीब कुरैशी कारी राशिद और कारी हाशिम ने मुजाहिराए किरत में हिस्सा लिया और सूफी मुशर्रफ सूफी इकबाल मोहम्मद हसीन सवासद असलम शेर खां सवासद असलम कुरैशी शकूर मुजीबी शरीफ मुजीबी वारिस अली हाजी सफ़ी रहमानी हाजी तौफीक अरशद रहमानी आदि लोगों मौजूद रहे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।